हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 7 बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने एक स्ट्रक्चर रखा है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले घंटी के निशान को दबा दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसे जो बनाने के लिए हमने आपको नीचे जो दिया गया है उसे देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाए। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जांपल, ठीक है। इसे बनाते हैं। तो इसमें बनाने के लिए आपको बहुत वेरी वेरी सिंपल है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो चलिए हम देखते हैं। सब्जेक्ट ये हुआ और ये हो गया आपको एम इज आर के लिए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नहीं, ये वैसे आ जाता है, ये वर्ब के रूप में आता है, तो वैसे एम इज आर के अंतर्गत ये आ जाता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट ये होगा, तो यहाँ पर होगा मिल्क, मिल्क इज उजला होता है ना, वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट, ठीक है। मिल्क इज वाइट। उसके बाद है दूध, चीनी मीठी लगती है, ठीक है, चीनी मीठी लगती है। तो ये भी वैसे ही बनेगा, चीनी ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एम एच आर के बदले ये आ गया। तो यहाँ पे चीनी का हो जाता है शुगर, एस यू जी ई जी ए आर, ठीक है, एस यू जी ए आर, ये हो जाता है। दो नंबर का होगा शुगर इज स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी। इसी तरह से नीचे वाले भी बनेगा, सूर्य गर्म रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर जाने दीजिए, सूर्य गर्म रहता है, ये तो बनेगा इसी स्ट्रक्चर पर, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, अगर आप द का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ऑक्सफोर्ड गुरुजी पर जा कर के द का प्रयोग देख सकते हैं, उसमें हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जा कर के देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेरे एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो जाइए तुरंत देखिए और फिर आ कर के समझिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सूर्य गर्म रहता है, नहीं तो फ्रेंड्स इसी में हम आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसा दुनिया में जो भी एक है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो निश्चितता का बोध कराता है, अगर किसी वाक्य में निश्चितता का बोध कराता है तो, और अगर वह प्लुरल कॉमन नाउन हो या अनकंटेबल हो, कुछ भी हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर निश्चितता का प्रयोग नहीं कराता है तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इसे बनाते हैं। सूर्य गर्म रहता है, तो यहाँ पे द लगाएंगे, द सन, क्योंकि सन एक ही है, द सन इज हॉट, ठीक है। इसी तरह से हमारे सब बनेंगे। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, तो चलिए बनाते हैं इसे। बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, तो इसका इंग्लिश जो होता है आइस या स्नो। तो यहाँ पे देखिए बर्फ ठंडी होती है, यहाँ पे देखिए बर्फ ठंडी होती है, हम इसे दो बार रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर बर्फ, बर्फ ठंडी होती है, इसका जो इंग्लिश बनेगा आइस इज स्नो इज या आइस इज कोल्ड, ठीक है, आइस इज कॉल्ड। उसके बाद है दूध मीठा लगता है, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, आइस इज कॉल्ड, दूध मीठा लगता है। मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, ठीक है। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। कोयल इज ब्लैक, कोयल इज ब्लैक, ठीक है, कोयल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। आग गर्म होता है, फायर इज हॉट, फायर इज हॉट, फायर इज हॉट। उसके बाद आम मीठा होता है,
मैंगो इज, अब यहाँ पे देखिए हमें द का प्रयोग होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखिए आग गर्म होती है, ये निश्चित है कि आग गर्म होती है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द फायर इज हॉट, द फायर इज हॉट, यहाँ पे द लगाना चाहिए था, द फायर इज हॉट। आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि होता है, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध था इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। यहाँ पे होगा मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट। आदमी मरणशील होता है, तो मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे देखिए आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है। कॉ इज जेंटिल, कॉ इज जेंटिल, कॉ इज जेंटिल, कॉ इज जेंटिल। उसके बाद सिंह मजबूत होता है। लायन इज स्ट्रांग, लायन इज स्ट्रांग, लायन इज स्ट्रांग। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पे होगा चिल्ड्रेन आर नट्टी, चिल्ड्रेन आर नट्टी। सांप डरावना होता है। स्नैक इज स्नैक इज फेयरफुल, फेयरफुल, स्नैक इज फेयरफुल। उसके बाद साधु दयालु होते हैं, साधु दयालु होते हैं, इसका जो बनेगा साधु का क्या होता है, सेंट, ठीक है, साधु का सेंट होता है। सेंट इज काइंड, सेंट इज काइंड, यहाँ पे देखिए साधु दयालु होते हैं तो सेंट इज काइंड। गाय नेक होती है, गाय नेक होती है। कॉ इज जेंटिल, कॉ इज जेंटिल, तो उसके बाद है बिल्ली फुर्तीली होती है, बिल्ली फुर्तीली होती है, तो यहाँ पर जो होगा हो जाएगा कैट इज एक्टिव, कैट इज एक्टिव। उसके बाद किसान परिश्रमी होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ इसका जो बनेगा वो होगा फार्मर इज लेबोरियस, फार्मर इज लेबोरियस, फार्मर इज लेबोरियस। उसके बाद है शिक्षक दयालु होते हैं, होते हैं। टीचर इज काइंड, टीचर इज काइंड, टीचर इज काइंड। उसके बाद माँ दयालु होती हैं, माँ दयालु होती हैं, तो इसका जो बनेगा मदर, द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड। उसके बाद देखिए सिंह मजबूत होता है, इसमें भी द लगाना चाहिए था, सॉरी, तो यहाँ पर होगा द लाइन इज स्ट्रांग, द लाइन इज स्ट्रांग। उसके बाद चलिए कुछ वोकैबुलरी हम उसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर होगा बर्फ आइस या स्नो, उसके बाद ठंडा का कोल्ड, दूध का मिल्क, मीठा का स्वीट, पानी का वाटर, पानी का वाटर, पानी का वाटर, उपयोगी का यूजफुल, कोयला का कोयल, काला का ब्लैक, चीनी का शुगर, आग का फायर, गर्म का हॉट, आदमी का मैन, मरणशील का मॉर्टल, सीधा का सिंपल या मीक जेंटिल, सिंह का लायन, मजबूत का स्ट्रांग, नटखट का नटी, सांप का स्नैक, ड्रावना का फेयरफुल, साधु का सेंट, नेक सी जेंटिल, फुर्तीला का एक्टिव, परिश्रमी का लेबोरियस, दयालु का काइंड। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक, और बगल में आने वाले और सॉरी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।